और अब बात एक ऐसे हीरो की जो इस दुनिया में नहीं रहा, रह गई हैं तो सिर्फ उनकी यादें। हम बात कर रहे हैं एसीबी के इंस्पेक्टर विक्रम सिंह शेखावत की, जिनका कैंसर के चलते निधन हो गया और सीकर के छोटी खुडी गांव में राजकीय सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार किया गया। इस दौरान डीजी भूपेंद्र सिंह, आलोक त्रिपाठी, एडीजी सौरभ श्रीवास्तव, आईजी वीके सिंह, दिनेश एमएन, पुलिस कमिश्नर आनंद श्रीवास्तव और पूर्व डीजी अजीत सिंह शेखावत भी श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए पहुंचे और सभी ने कहा कि एसीबी की प्रतिष्ठा बढ़ाने में विक्रम सिंह का योगदान बेहद ही अहम रहा है। बीते 10 सालों में राजस्थान की एसीबी ने कई भ्रष्ट आईएएस, आईपीएस और खनन माफिया पर शिकंजा कसा, ताबड़तोड़ कार्रवाई कर भ्रष्टाचारियों में खौफ पैदा किया। इसके पीछे इंस्पेक्टर विक्रम सिंह शेखावत का अहम योगदान रहा। गृह विभाग के डिप्टी सेक्रेटरी अनिल का ट्रैप केस हो या आईएनसी एडवाइजर महेश शर्मा का ट्रैप केस, सभी कार्रवाइयों में विक्रम सिंह ने अहम भूमिका निभाई। इसके अलावा अजमेर एसपी राजेश मीणा, कोटा एसपी सतवीर सिंह, सीनियर आईएएस अशोक संघवी, एनआरएचएम पीएचईडी करप्शन केस, आईआरएस सहिराम मीणा ट्रैप केस, डीजे अजय शारदा केस और सीबीआई इंस्पेक्टर प्रकाश चंद के दलाल को पकड़ने में भी विक्रम सिंह शेखावत की भूमिका सराहनीय रही। विक्रम सिंह मेरे बहुत क्लोज था, मेरे भाई जैसे था, सिर्फ हमारे एक सबॉर्डिनेट नहीं था और उसको काम करने में बहुत मेहनती और बहुत ही शार्प था। यही वजह है कि विक्रम सिंह के निधन से एसीबी ही नहीं बल्कि जनप्रतिनिधि भी शोक में हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने ट्वीट कर उनके निधन पर शोक जताया है। पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने भी विक्रम सिंह को श्रद्धांजलि अर्पित की है। उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट ने भी ट्वीट कर संवेदनाएं व्यक्त की है। तो वही एसीबी के डीजी आलोक त्रिपाठी और आईजी दिनेश एमएन ने भी विक्रम सिंह के निधन पर शोक व्यक्त किया है। और जो जो भी काम हो, ऑपरेशन उसने हाथ में लिया, वो 100% कंक्लूड करता था। हमें भी इसके ऊपर उम्मीद थी कि शायद ये कैंसर के खिलाफ लड़ाई भी वो जीत लेगा। भगवान को शायद दूसरा ही प्लान था। विक्रम सिंह का जन्म 1976 में सीकर जिले के खुड़ी लक्ष्मणगढ़ में हुआ था। उन्होंने करीब 10 साल एसीबी में सेवाएं दी। हालांकि कुछ साल पहले कोटा में अपने ही अफसरों की साजिश का शिकार होकर उन्होंने नौकरी छोड़ने का मन भी बना लिया था, लेकिन बाद में उन्हें एसीबी के ईमानदार अफसरों का साथ मिला तो विक्रम सिंह सर्विलांस के जरिए करप्ट सिस्टम का काल बन गए और यही वजह रही कि उन्हें एसीबी के सबसे काबिल इंस्पेक्टर की पहचान मिली। नवीन शर्मा, फर्स्ट इंडिया न्यूज, जयपुर।